हाँ जी, चमकीला दे पहला गाना इश्क मिटाए आज लॉन्च होने वाला है। क्या कहानी क्या है गाने की और मूवी की, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मूवी देखी थी जो फिल्म होनी थी पता लगना, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गाने मोहित चौहान ने गाया है, मैं बड़ा फैन हूँ मोहित चौहान जी की वॉइस का। और जब इम्तियाज़ और रहमान सर का म्यूजिक और मोहित चौहान जी की आवाज़ हो तो मज़ा आ जाता है। तो आई एम एक्साइटेड। तो मूवी रिलीज हो रही है 12 अप्रैल नू ते नेटफ्लिक्स ते। परिणीति के साथ जो आपने काम किया है, पहली बार आपको देखेंगे परिणीति के साथ मूवी में, कैसा था उनके साथ काम करना पंजाब में जो शूट किया था? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत ही नेचुरल एक्ट्रेस ने परिणीति जी, बहुत चंगा लगा। पता नहीं लगा कदों फिल्म खत्म होगी, मुझे कितने दिन का शूट था पाजी? तो नहीं पता जी, दो 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 तीन महीने लग गए मुझे लगा। चमकीला ते गाने आपने गावे हैं, रिक्रिएट किए हैं, उनके गानों के बारे में कुछ बोलना है आपको? नहीं उन्होंने तो बढ़िया तो कोई नहीं गा सकता, अभी सिर्फ फिल्म दे विच एक्टिंग की थी उन्होंने गाने दी स्टेज पे गाने दी। ते पर जो तुम कहोगे भी चमकीला साहब तो जो कौर तो वधिया कोई गा सकता, इतना तो नहीं हो सकता। इवन जो जो गाने मैं गाए हैं वो जो कोई होर गाऊगा वो ऊपर लगेंगे, तो वो तो असं चमकीला जी के गाने तो सुनते आ रहे हैं बचपन तो, वो जो कोई होर गाऊगा वो ऊपर लगेगा बंदा। तो पर अं क्योंकि फिल्म बनानी सी तो स्टेज पर गाने पैने से, तो गाने पंजाबी च बहुते लोग कई गल्ला करते भी यार हिंदी फिल्मों गाने किमें हिंदी तो नहीं होंगे, इदा हो सकता यार, ये तो बच्चे वाली गल है भी चमकीले के गाने हिंदी कि हो सकते हैं, चमकीले के गाने पंजाबी च ही है, ये तो मतलब बेसिक गल है यार, ये कि मतलब कोई सोच भी कि के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो मैंने कभी सोचा नहीं था उनके साथ फिल्म करूंगा, तो चमकीले ने ये मेरे को मौका दिया, ये मौका भी चमकीले की वजह से ही मिला। वधिया सी। ये जब आप शूट कर रहे थे, ऐसा कोई मेमोरी जो आप मिस कर रहे हैं, याद आती है चमकीला नाम सुन के, जब आप मूवी के लिए शूट कर रहे थे, ऐसा कोई मोमेंट? मिस कर रहा हूँ जी मैं, कुछ मिस करता जी मैं तो हूँ इस वक्त बहुत न्यारे चा, कोई मिस नहीं करता मैं, नो ठीक है। रहा है, अच्छा जी, तो एक कुछ आखिरी आपके फैंस के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस दसो तुम कितना लगा देख के, वो रही की कहना जी तुम कितने लगा, सारे बहुत सियाने हैं कि की कह सकते हैं, देख आप देख के बताओ आपको गाना कैसा लगा। ये गाना मोहित चौहान जी ने गाया है, फिल्म में जो गाने बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो गाने हिंदी में हैं, स्टेज में जो चमकीला गाएगा वो पंजाबी गाना गाएगा वो। यस सुनो जी इश्क मिटाए आपको।